नमस्कार, मैं हूं सरस सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम। बता दें कि चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी सरगर्मियां अब आसमान छूने लगी हैं। बता दें कि इस समय मौजूद है केराकत विधानसभा में, और बात करें केराकत विधानसभा की तो यहां से सत्ताधारी दल से विधायक है दिनेश चौधरी जी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इन पर विश्वास दिखाते हुए केराकत विधानसभा की कमान एक बार फिर से दिनेश चौधरी को सौंपी है। उन्हीं से बात करेंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और सबसे बधाई देते हुए शुरुआत करते हैं सवालों का कि आप एक बार फिर से आपको टिकट मिला है केराकत से, तो सबसे पहले बधाई हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, एक बार फिर से आप मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? तैयारी कोई नई अलग से नहीं है। जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है देश और प्रदेश में, पूरा देश और पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है। आम कार्यकर्ता, विरोधी भी मान रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। अलग से कोई तैयारी नहीं, तैयारी तो पूरा हमेशा 5 साल चलते रहा है। अगर सर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पे लगातार ये आरोप लगाता है कि उन्होंने केवल फीता काटने का काम किया है। देखिए, विपक्षियों के पास आज की तारीख में कोई मौका नहीं है, वो कहेंगे क्या, काम तो कुछ किए नहीं। 5 साल उनकी सरकार रही, काम कुछ नहीं किए हैं, तो खाली फीता काटने का ये अनर्गल ये ब्लेम है। ये ब्लेम में कोई दम नहीं है, अगर बात जनता सब देख रही है। अगर सर बात करें तो जैसे समाजवादी पार्टी ने मछली सर, पूर्व सांसद तूफानी सरोज उसको किराकत की जिम्मेदारी सौंपी है, तो कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं? कोई चैलेंज उसके साथ है ही नहीं है। अभी देखें आप, हमारे यहाँ कितनी भीड़ थी जी। जनता इतना उत्साहित है, कल से जब से मुझे टिकट की घोषणा हुई है, हर जगह बुला बुला के हर समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं। अगर सर बात करें तो अभी जैसे BSP है, उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन एक तरह सूत्रों के नाम निकल के आ रहा है कि लाल बहादुर सिद्धार्थ जी का नाम आ रहा है, तो उनसे आप अपनी टक्कर मानते हैं कि वो भी नहीं है? वो टक्कर में है ही नहीं है। वो तो कई बार टक्कर लेके जा चुके हैं मेरे से, वो कहाँ मेरे टक्कर में है, ना कभी रहेंगे टक्कर में। अगर सर 5 सालों की बात करें तो आपकी सरकार थी डबल इंजन की सरकार थी, ऐसा क्या काम रह गया कि समय के अभाव में नहीं हो पाया केराकत विधानसभा में? देखिए, काम तो बहुत हुए हैं डबल इंजन की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है। इस प्रदेश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया उन्होंने, और आज इसी वजह से जनता बहुत खुश है। आम जनता कह रही है कि बीजेपी की सरकार चाहिए, बीजेपी की सरकार चाहिए। इवन सपा, बसपा, कांग्रेस, सारे लोग, इतना सुविधा किसी सरकार में मिला ही नहीं। अब महीने में 2-2 बार राशन फ्री पिछले 2 साल से मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, ये गैस मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, और 6-6 हज़ार खाते में आ रहा है। ये पहली सरकार है, जितना भेज रही है उतना खाते में पहुंच रहा है। नहीं, जिसकी पहले की सरकार, राजीव गांधी ने कभी कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं 2 रुपया पहुंचता है, लेकिन इस सरकार में 10 रुपया भेज रहे हैं, 100 रुपया भेज रहे हैं, तो 100 रुपया पहुँच रहा है। सर, ये व्यवस्था है सरकार की। सर, जैसे बात करें कि जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी केवल 4 प्रत्याशियों के नाम अलॉट किए हैं, तो जो बाकी 5 प्रत्याशियों की कब तक सोची जाएगी? शीर्ष नेतृत्व का काम है, तो फिर भी आप उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो जैसे जैसे अपना निर्णय लेते जा रहे हैं इसी से घोषणा करते जा रहे हैं। सर, अगर विपक्षी दल की बात करें तो उनका साफ साफ कहना है कि इस बार यम और वाई जो फैक्टर है वो हमारे साथ है। कोई नहीं उनके साथ, कोई उनके साथ नहीं। अगर ये साथ हैं, मैं आपको एक दो उदाहरण खाली बता रहे हैं। पिछले सरकार सपा की थी, सपा की ही विधायक थी, चंद्रजीत यादव पहलवान है, और 20 साल से एक अखाड़ा के लिए कहते रह गए, लेकिन उनके न विधायक सुने न कभी सांसद सुने। मेरे पास आए, मेरी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मेरे पास आए कि साहब 20 साल से एक अखाड़ा के लिए, चूँकि वो पहलवान है तो पहलवान ही करेंगे और लोगों को पहलवान बनाएंगे। मेरे विधानसभा में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। मैं बोला, मेरे से क्या चाहते हैं? कहें साहब, अखाड़ा के लिए ज़मीन चाहिए। हम कहे चले ठीक है, जाइए जगह देख लीजिए। उन्होंने 12 बिस्सा जगह देखा, मैंने जय बजरंग व्यायामशाला के नाम से 12 बिस्सा ज़मीन रजिस्टर्ड कर दिया, 10 लाख रुपये उनके सरकार में, उन्हीं के वोटर थे वो। वो कहते भी हैं कि हम सफाई हैं, लेकिन सपा में रहते हुए हम खाली वोटर बन के रह गए, हमको लाभ नहीं मिला। बीजेपी सरकार में लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि अगर आप टिकट लेके आएंगे तो खुल के मैं आपके साथ हूँ। तो मैं कैसे कहूँ कि उनके सरकार में उनके लोग खुश थे? सर, जैसे मेरी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे लोग खुश हैं, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों।
एक लड़का शहीद हुआ था, ये हनुमान नगर जगह है, 20 साल पहले 2 महीने का बच्चा था, उसी समय वो देश के लिए शहीद हो गया बॉर्डर, पूरा गांव कहते रह गया कि शहीद गेट बना दीजिए, ना तूफानी सरोज सुने ना गुलाब सरोज सुने। जब मेरे पास आए यादव, वो तो थोड़ा सा सहमते हैं कि हम जाएँ कि ना जाएँ, बीजेपी के विधायक मेरे पास आए, मैं बोला अरे यार देश के लिए शहीद, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैंने गेट बनाया, तो मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ, इसलिए आम लोग मेरे साथ। सर जैसे बात करें तो डबल इंजन की सरकार थी और आप किराकर विधानसभा से विधायक भी थे, तो ऐसा कोई एक कार्य बता दीजिए जो आप समय के अभाव में या किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया? नहीं, जैसे देखिए यहाँ की मांग है रोडवेज का, चूँकि मेन रोड पे जगह कहीं था नहीं, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि एक रोडवेज बस स्टैंड खाली बन जाए तो यहाँ की जनता के लिए बहुत लाभ मिलेगा, जनता बहुत खुश हो जाएगी। तो ये बगल में हमारा एक डाक बंगला है जल निगम का, बहुत जर्जर हो चुका है, करीब 2.25 बीघा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, इस पर हम दे देंगे, कार्यवाही पूरी होकर रखी हुई है, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया, बीच में फिर समय नहीं मिला, इसको हम बनवाएंगे। अगली सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और जनता विधायक मुझे बना रही है, अगली बार मेरा प्रथम वरीयता है कि इस रोडवेज को मुझे बनाना है, बनाऊंगा। सर कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की निकल? 300 पार 300 से ज़्यादा सीट आ रही बीजेपी। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूदा समय में सत्ताधारी दल से किराकत विधायक दिनेश चौधरी, जिनका साफ साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में 300 सीटें निकल रही हैं। मैं सरस सिंह जौनपुर।